तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से एरर आता होगा, आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पाते होंगे। जब भी आप अपना प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो आपको ये एरर देखने को मिलता होगा, एरर रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर, कुछ इस तरह से ये एरर है। अगर आपको भी कोई एरर देखने को मिल रहा है, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे अपने प्ले स्टोर से, तो कैसे इस एरर से छुटकारा पाएंगे आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या करना होगा इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद डायरेक्टली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आना है। डेट एंड टाइम पर आ जाइए। अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम आपको चेक करना है ऑन है या नहीं, और यहाँ पर डेट एंड टाइम आपका अगर आपका गलत होगा तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल सकता है। तो अच्छा यही है कि आप ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को यहाँ पर ऑन कर दें, सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम अपना चेक करके रखिएगा, अगर आपका डेट एंड टाइम गलत होगा तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद अगर आपने ये सब कर लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप मोबाइल की सेटिंग में आकर ऐप्स में आइए, मैनेज ऐप्स में आइए, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर हम प्ले स्टोर को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ सेम आपको काम करना होगा। गूगल प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से आपके सामने सेटिंग आ जाएंगी। स्टोरेज पर क्लिक करिए, क्लियर डाटा पर क्लिक करिए, क्लियर कैच आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर कैच पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर कैच करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई उसके बाद डायरेक्टली आपको क्लियर यहाँ पर क्लियर डाटा करने से पहले काम करना है, फोर स्टॉप पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। फोर स्टॉप करने के बाद देखना है सही हुई है प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर उसके बाद जो है अनइंस्टॉल अपडेट आपको कर देनी है। यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट करने के बाद जो है ओके कर दीजिए। और यहाँ पर ये सब करने के बाद जो है अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, स्टोरेज पर आइए, क्लियर डाटा, क्लियर ऑल डाटा कर दीजिए। लास्ट में आपको क्लियर ऑल डाटा करना है, सब कुछ करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा करने के बाद जो है बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपने ये सब काम कर लिया तो फाइनली एक और काम आपको करना होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गाइज आपको जो है अपना अकाउंट एंड सिंक पर आना है सेटिंग में, और उसके बाद यहाँ पर गूगल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी आपके अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने अपने मोबाइल में ऐड किए होंगे जीमेल अकाउंट। तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, प्ले स्टोर में जाकर देखना है आपका कौन सा अकाउंट यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर देख लीजिए ये ऐड है 809 वाला, तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली 809 वाला जो अकाउंट है इसको क्लिक करते हैं एरो पर और यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। आपको यहाँ से इस अकाउंट को रिमूव कर देना और न्यू अकाउंट अपने फ़ोन में ऐड कर लेना है, और जितने भी अकाउंट यहाँ पर ऐड हैं एक बार सभी को जो है रिमूव कर दीजिएगा और कोई न्यू अकाउंट बनाकर अपने प्ले स्टोर में ऐड कर लीजिएगा। तो और उसके बाद करने के बाद जो आपको डायरेक्टली यहाँ पर पावर बटन दबाना और रिबूट कर लेना है अपने फ़ोन को, रिस्टार्ट कर लेना है या फिर पावर ऑफ करके ऑन कर लेना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइज। अगर फिर भी नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई और सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।